अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हफ्सा अलियाबादी और आप देख रहे हैं हफ्सा अलियाबादी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं तो पहले ही आप लोगों के लिए हैं, माशाल्लाह से आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो दुआएं तो आप लोगों के लिए बनती ही है ना। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू मेक अ व्लॉग वंस अगेन, और मुझे पता है कि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर वेट कर रहे थे और मुझे बहुत से सब्सक्राइबर ने इनक्रेज भी किया मेरे व्हाट्सएप पर आके, लेकिन फिर भी मैं ड्यू टू सम रीज़न्स मैं अपलोड नहीं कर सकी व्लॉग। और आपको भी पता है कि ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में तलखियाँ भी आती हैं और इस तरह के कुछ लम्हात आते हैं कि इंसान अपसेट हो जाता है, और मैं भी हो ही गई थी। और वैसे भी सर्दियों का मौसम रहा है और सर्दियों में मेरे बच्चे बहुत तंग करते रहे हैं, बीमार रहे हैं, और मैं ऐट द सेम टाइम देखूँ तो तीन तीन जॉब्स कर रही हूँ। मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, एक मदर भी हूँ, और एक वैसे भी मैं जॉबियन हूँ, जॉब करती हूँ। तो इस वजह से मेरे पास टाइम बहुत कम होता था आप लोगों के लिए व्लॉग बना सकूँ, और वैसे भी अब तो दिन लंबे हो गए, अब तो मेरे पास इतना टाइम होगा ही। और सर्दियां चली गई हैं, शुक्र है, क्योंकि ये सर्दियां ना तो मुझे अब सूट करती हैं और ना ही मेरे बच्चों को सूट करती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के लिए व्लॉग बनाऊं। सबसे पहले तो मैं अपने उन सब्सक्राइबर को अपोलोजाइज करूंगी जिन्होंने रिक्वेस्ट भी की, मुझे व्हाट्सएप किया कि आप व्लॉग बनाएं, लेकिन मैं फिर भी नहीं बना सकी ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाती रहूंगी, और अब बस खुश रहें, खुश रखें दूसरों को, और मुझे दुआ में याद रखें। और अब जो मैं आपको इतना कुछ दिखा रही हूँ, ये माशाल्लाह से मेरी बेटी की बर्थडे थी और बर्थडे को हमने सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से। ये सारी डेकोरेशन मैंने की थी और बर्थडे की थीम भी मेरी अपनी ही थी, और माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ डेकोरेट कर ही लिया। किसी की बीवी हो तो ऐसी सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना पड़ता है, बर्थडे हो कोई शादी हो तो खुद ही सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, तो कमी तो बहुत ज़्यादा फील होती है शोहर की, और ऐसे मौके पर आंसू भी आते हैं आंखों में। लेकिन हम लोग इतनी सख्त दिल हो गई होती हैं परदेशियों की बीवियाँ कि वो आंसू पी जाती हैं और आंसू पी के वेट गेन कर लेती हैं। आप लोगों को पता तो होगा कि आंसू में होते हैं नमकियात, तो जब वो हम पीती रहेंगे तो हम तो वेट गेन करेंगे, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, असल में ये आंसू पीने की वजह से होता है। मेरी बेटी की माशाल्लाह ये दूसरी बर्थडे है, दो साल की हो गई है मेरी बेटी, और ये फेब में दो साल की हुई थी और फेब में ही हमने बर्थडे की सेलिब्रेशन की। लेकिन मैं व्लॉग अभी बना रही हूँ, वीडियोस मैंने पहले बना ली हुई थी लेकिन व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और मेरी बेटी थोड़ी एक्साइटेड भी थी और शॉक्ड भी थी कि ननिहाल भी आए हुए हैं, क्या बात है आज तो, और ये उसकी दादू उसको केक खिला रही हैं, अब नानों के हाथ से केक खाएगी मेरी बेटी। और इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें, इजाज़त लेने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि मेरी बेटी को कौन से गिफ्ट्स मिले थे। ये सारे जो गिफ्ट्स हैं ये ननिहाल और ददियाल की तरफ से मिले, फ्रेंड की हालत तो नहीं आ सकी थी लेकिन उनके गिफ्ट्स पेंडिंग थे, उन्होंने बाद में भेज दिए थे। और ये बाद का सीन है जब सेलिब्रेशन होगी और उसके बाद कुछ बैलून फट भी गए और कुछ मेस क्रिएट हो गया। और अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फी मान, टेक केयर।